क्लास टेन मैथमेटिक्स में आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर थ्री शेयर्स एंड डिविडेंड्स के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, इसमें पहले कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, ये बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन चल रहे हैं। अ मैन बायस अ रुपीज 80 शेयर्स इन अ कंपनी विच पेज 20% डिविडेंड। ही बाइज द शेयर एट सच अ प्राइस दैट हिज प्रॉफिट इज 16% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर। लेट कर लेता हूं, लेट ही बाय रुपीज एक्स ऑफ वन शेयर, ये वन शेयर का है। चलिए देखते हैं, यानी ये इतना इन्वेस्टमेंट हो गया इसका। तो यहां पर कह रहा है नॉमिनल वैल्यू दे रखी है इसकी, नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है, रुपीज 80 है, और डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड दिया हुआ है 20%। ई बाइज अ शेयर एट सच दैट, हाँ प्रॉफिट दिया हुआ है 16%, 16% है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया है एक्स पे। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय, इसका मतलब कैसे निकलेगा, इसमें एन वी आ जाएगा इनटू डिविडेंड आ जाएगा इनटू मार्केट वैल्यू आ जाएगी इनटू प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए ये है एन वी हमारे पास है 80, डिविडेंड कितना है हमारे पास 20% है, 20/100 हो जाएगा। मार्केट वैल्यू कितनी है निकालनी है, ये एक्स है, और इनटू प्रॉफिट कितना है बच्चों, ये है 16%, तो 16/100 हो जाएगा। तो ये 100 100 तो कैंसिल हो जाएंगे, सो एक्स कल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 × 20/16, तो 16 5 80 हो जाएगा, ये आ गया 5 × 20, सो कितना हो गया 100। सो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हो गई रुपीज 100, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये टेंथ है। अजय ओन्स 560 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बच्चों, 560 है। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज रुपीज 25, द कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड 9%। फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू दोनों सेम होती है, और ये है कितना हमारे पास 25, और क्या कह रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है 9%। कैलकुलेट करना क्या है, द डिविडेंड दैट अजय विल गेट, ये बच्चों नॉमिनल वैल्यू है, ये 25 रुपीज डिविडेंड हो गया 9%। तो पहला कह रहा है फर्स्ट द डिविडेंड दैट अजय विल गेट, तो यहाँ डिविडेंड निकाल देते हैं, डिविडेंड कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, इंटू नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, इंटू डिविडेंड परसेंट। चलिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 560 हैं, नॉमिनल वैल्यू 25 है, और डिविडेंड जो मिलता है वो 9% मिला, तो 9/100 कर देंगे, और ये दोनों जीरो, इससे दो जीरो तो नहीं कैंसिल होगी बच्चों, एक ही जीरो कैंसिल हो रही है, 5 से कट कर लेते हैं इसको, 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25, 2 से कैंसिल कर दिए, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16, ये कितना आ जाएगा आपका, सो इट इज 28 × 5 = 45, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1260 रुपीज़।
यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कह रहा रेट ऑफ इन्वेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इफ अजय हैड पेड रुपीज 34 ईच शेयर्स, यानी कि ये मार्केट वैल्यू अब दी हुई है आपको 30 रुपीज। लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, होगा क्या इसमें, इसमें जो है मार्केट वैल्यू पे इंटरेस्ट रेट परसेंट चलेगा और नॉमिनल वैल्यू पे डिविडेंड चलेगा। तो नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए नॉमिनल वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है 25, डिविडेंड है 9% है, तो 9/100 हो जाएगा। मार्केट वैल्यू कितनी है 30 है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट x/100 कर दीजिए, ये 100 को कैंसिल हो जाएगा। सो 30 ऑफ एक्स कल टू कितना हो जाएगा 25 × 9, सो एक्स कल टू 25 × 9/30। देखते हैं कैसे कटता है, ये 3 जा हो जाएगा और 3 10 जा जाएगा। तो एक्स कल टू कितना, ये तो 75 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.5% हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इजी है, क्वेश्चन कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन रुपीज 80 शेयर सेलिंग रुपीज 75। तो नॉमिनल वैल्यू ये है 80 रुपीज और मार्केट वैल्यू जो है इसकी ये हो गई 75%। वो टेन एंड एनुअल इनकम भी दे दी इसकी, एनुअल इनकम कितना दिया है, ये रुपीज है 1080। इफ द डिविडेंड डिक्लेयर इज 5%, डिविडेंड भी आपको दिया हुआ है, डिविडेंड कितना दिया है, ये 15% दिया है। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट निकालना है इसका। लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी एन, तो हमें इनकम निकालनी है, एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम कैसे निकलती है बच्चों, एनुअल इनकम ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड। चलिए एनुअल इनकम दी हुई हमारी कितनी है 1080, नंबर ऑफ शेयर्स एन ले रखे मैंने, एन भी कितना है इसका, नॉमिनल वैल्यू 80 रुपीज है और डिविडेंड कितना है हमारे पास 15%, सो 15/100 हो जाएगा। यहाँ जीरो कैंसिल कर दीजिए जीरो से, 2 4 8 हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1080 इज इक्वल टू एन इंटू ये 12 आ जाएगा। सो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1080/12, 12 आ जाएगा 108 और 10 आ जाएगा, यानी कि एन जो आ गया कितना आ गया हमारे पास 90 आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स 90 आ गया। अब ये बताना है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कितना करेगा, इन्वेस्ट में आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स है 90 और मार्केट वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है 75 रुपीज। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जीरो आ जाएगा
ये आ जाएगा 6,750, यहाँ इन्वेस्ट लिख दीजिए 6,750, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 12 आ रहा है। और डिविडेंड ऑफ 9%, तो डिविडेंड लिख दीजिए पहले, डिविडेंड दिया है 9%। वाज डिक्लेयर्ड ऑन ₹100 शेयर सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस। सो नॉमिनल वैल्यू दे रखी है इसकी, नॉमिनल वैल्यू है ₹100। इफ रेट ऑफ रिटर्न इज 7.5%, इसमें रिटर्न देख लीजिए क्या दिया है। रिटर्न जो दिया है वो 7.5% है। मार्केट वैल्यू पहले हमें निकालनी है। चलिए मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, कितना आ जाएगा ये। ये आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड, इसका टू मार्केट वैल्यू आ जाएगी और इनटू रिटर्न। नॉमिनल वैल्यू कितनी है बच्चों, ये हमारे पास है 100, डिविडेंड दिया है 9%, तो 9/100 हो जाएगा। मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है और रिटर्न है हमारे पास 7.5%। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे मार्केट वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो 100 इंटू 9 और ये 7.5 नीचे आ जाएगा। डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 25 3 जा हो जाएगा, 25 4 जा जाएगा और 3 जा 9 हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12 और जो हो जाएगा ₹120, यानी ₹120 जो है इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। एनुअल इनकम कितना है बच्चों, ये दिया हुआ है 630। एनुअल इनकम निकालते कैसे हैं बच्चों, एनुअल इनकम ये निकलता है नंबर ऑफ शेयर। नॉमिनल वैल्यू निकाल लीजिए, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड। चलिए ये है 630, नॉमिनल वैल्यू दी हुई है 100, नंबर ऑफ शेयर सपोज स्मॉल एन है और डिविडेंड है हमारे पास कितना है 9%, तो 9/100 हो जाएगा। ये 100 100 कैंसिल हो जाएंगे, सो 9n = 630, सो n = 630/9, ये 70 आ जाएगा, यानी n जो है नंबर ऑफ शेयर जो है वो 70 आ जाएगा। कितना इन्वेस्ट किया वो निकालना था बच्चों। इन्वेस्ट जो हो जाएगा ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 70 है, और मार्केट वैल्यू कितनी है 120, तो ये आ जाएगा 8,400 रुपीज। इन्वेस्ट कितना हो गया ₹8,400 और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 13। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, बताना है कौन है बेटर है। पहला है ये 12% ₹100 शेयर्स एट 120 और 8% ₹100 शेयर्स एट 90। यहाँ पर ये फर्स्ट इन्वेस्टर को ले रहे हैं और इस जगह पे हम सेकंड वाले इन्वेस्टर को ले रहे हैं। तो फर्स्ट वाले को देखो क्या है, ये 12% है ₹100 शेयर्स एट 120। नॉमिनल वैल्यू दी हुई है, ये है आपका ₹100 और
मार्केट वैल्यू दी हुई है वो है आपकी 120 और डिविडेंड दिया हुआ है 12%। सेकंड वाले में देखो क्या क्या रखा है इसने, इसमें नॉमिनल वैल्यू जो दे रखी वो 100 है, मार्केट वैल्यू कितनी दी है इसकी 90 रुपीज है और डिविडेंड है इसका 8%। हमें प्रॉफिट निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड, ये प्रॉफिट परसेंट है बच्चों। तो प्रॉफिट परसेंट सपोज ये पी ले रहे हैं इसका, मार्केट वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास 120, नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 है और डिविडेंड कितना है 12% है। चलिए आगे करके देखते हैं इसको कितना आता है। यहाँ पर परसेंट है तो 100 लगा दीजिए, इसका परसेंट है तो 100 लगा दीजिए, हालांकि ये 100 100 कैंसिल हो जाता है। सो पी कितना हो जाएगा, ये 100 इंटू 12 और अपॉन ये 120 आ जाएगा यहाँ। सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका प्रॉफिट कितना जाएगा, प्रॉफिट आ गया 10%। ऐसे इसका भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी फॉर्मूला वही लगाना है, प्रॉफिट इनटू मार्केट वैल्यू है, प्रॉफिट परसेंट अगर तो ध्यान रखना है, मार्केट वैल्यू इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी और डिविडेंड आ जाएगा। तो प्रॉफिट तो यहाँ पी निकालना है, मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 90 रुपीज है और नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 है, डिविडेंड कितना है इसका 8%, तो 8/100, यहाँ भी अपॉन 100 लेंगे तो ये दोनों 100 तो कैंसिल हो जाते हैं। सो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 into 8/90 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा 80/9। इट इज 8.9%। विच वन इज बेटर, सो द फर्स्ट वन, ये ज्यादा बढ़िया रहा है इसका, तो देख रहे ये कम मिल रहा है इसका प्रॉफिट, इसको ज्यादा मिल रहा है, तो द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर, यहां लिख दोगे द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं बच्चों। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये एक और क्वेश्चन आ रहा है। अ मैन सेल्स 60 रुपीज 15 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड एट ₹21 ईच एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन ₹6 शेयर of another company at ₹9 each, find his change in income if the second company pays a dividend of 8%। फर्स्ट केस ले रहे हैं हम लोग, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ये है आपको 16, नॉमिनल वैल्यू इसकी दी हुई है कितनी है, ये है ₹15 और 12% डिविडेंड है, डिविडेंड है 12%। तो इसके बाद जो है एनुअल इनकम निकाल देते हैं इसकी, एनुअल इनकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे
इनटू नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी इनटू डिविडेंड हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 60 और नॉमिनल वैल्यू कितनी है आपकी 15 है और डिविडेंड है आपका 12%, सो 12/100 तो 10 कैंसिल विद 10, 2 3 जा एंड 2 5 जा 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। एनुअल इनकम इसकी इतनी आ रही है। सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं इसकी। सेलिंग प्राइस ट्वेंटी वन में वो सेल कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 60 है ये, तो 6 1 6 और 6 2 12 इतने रुपए में वो सेल कर रहा है, यानी कि ये इतने रुपए उसको मिल गए हैं। अब यहाँ सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में ये इन्वेस्ट बन जाएगा, इन्वेस्ट कितना हो गया इसका 1260 रुपीज। अब इसमें क्या कह रहा है देखो आगे, इन रुपीज 6 शेयर्स, यानी कि ये नॉमिनल वैल्यू है इसकी, नॉमिनल वैल्यू है 6 रुपीज और एट 9 यानी मार्केट वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू कितनी है 9 रुपीज है और डिविडेंड कितना है इसका, डिविडेंड डिविडेंड है हमारे पास 8%। चलिए देखते हैं, इसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता चल गया, तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं कितने खरीद पाया है। नंबर ऑफ शेयर्स ये आ जाएगा, इन्वेस्ट आ जाएगा और अपॉन हो जाएगा मार्केट वैल्यू, इन्वेस्ट कितना किया है 1260 और अपॉन 9 आ जाएगा, 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं कितना आएगा देखते हैं। पहले 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 3 4 12 और 3 2 6 0, फिर 3 1 3, 3 4 12 और 0, यानी कि ये 140 शेयर्स आ गए। अब इसकी एनुअल इनकम निकाल दीजिए। एनुअल इनकम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनटू नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी इनटू डिविडेंड आ जाएगा। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 140 है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, ये है 6 रुपीज और डिविडेंड परसेंट कितना है 8%, तो 8/100 कर दीजिए इसको, 10 तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, 67.20 आ जाएगा ये एनुअल इनकम आ गई। तो चेंज बताना है हमें, क्या करना था, चेंज बताना था इसमें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में था फाइंड हिज चेंज इन इनकम, तो यहाँ लिख दीजिए चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा बच्चों, पहले इसकी इनकम कितनी थी 108 थी, माइनस 67.20 कितना बच जाएगा, पॉइंट का 80 तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचा 7 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ बच गया आपका 10 तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी चेंज इन इनकम इतनी हो गई, यही आपका आंसर हो गया है। आज बच्चों इतना ही रहने दे रहा हूँ, तब तक नीचे भी है लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक। इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।